नमस्कार मैकेनिक भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो है, जो हमारे पास ये प्राइमरी गियर होता है या फिर ये क्लच हाउसिंग का बड़े वाला ये गियर होता है, ठीक है। यहाँ पर तो अक्सर आपने देखा होगा जब आपकी बाइक में से क्लच की जो साउंड आने लगती है की जैसे कि नॉर्मल भाषा में बहुत सारे मैकेनिक इसको साइंस साइंस भी बोल देते हैं, तो इससे जो है बहुत अजीब साउंड आती है। बाइक नॉर्मल खड़ी रहती है तब तो इससे साउंड नहीं आती, लेकिन जब हम बाइक को गियर में लेकर चलते हैं तो वहां पर वो बहुत ज्यादा साउंड करती है। तो ऐसे में होता क्या है, जब हम इसको डाल देते हैं तो इससे जो है क्लच की आवाज बिल्कुल ओके हो जाती है। तो ये एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन इसके बाद मान लो जैसे कि आपने अपनी बाइक के अंदर, जैसे कि आपकी बाइक काफी पुरानी हो जाती है, वो तकरीबन 1 लाख प्लस चल जाती है, तो ऐसे में होता क्या है, इसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। ये तो समय समय पर जो है बदलनी पड़ती है जब इससे आवाज आने लगती है। और जो बड़े वाली ये आप गरारी देखते हैं, इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये खराब हो जाती है, ये दाग हो जाती है, यहाँ पर ये दाग पड़ जाते हैं इसमें, तो इसी तरीके से इसमें भी ये दाग पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी जो है अजीब साउंड आती है। तो यहाँ पर इसको डालने के बाद जब मान लो आपकी आवाज बंद हो जाती है बाइक की, तब तो अलग बात है, ठीक है। अगर ये डालने के बाद भी आपकी बाइक में जो है क्लच की साउंड रहती है, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि ये हमारा क्लच हाउसिंग है पुराने वाला, ये ओल्ड बाइक में आता था, ठीक है। यहाँ पर ये काफी मोटा होता है, तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इससे कई गुना लाइफ इससे इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, अगर ये कट जाता था तो इसको हम क्या करते थे, इसको हम नया नहीं डालते थे, ठीक है। कुछ कस्टमर जैसे कि हमारे पास ऐसे होते हैं कि आप मेरा काम कम पैसों में चला दो, वो उसी हिसाब से हम काम कर देते हैं। और एक बंदा ऐसा है कि आप पैसे की परवाह मत करो, कि आप जो है बिल्कुल जेन्युइन काम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इसका कटोरा है, यहाँ वाला पिछले वाला या बड़े वाला गरारी जो है ये, ठीक है, जो ये बड़े वाली गरारी है, तो यहाँ पर हम इसको जो है जब इसको यहाँ से ये अलग कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, इसको हमने यहाँ पर अलग कर दिया, ठीक है। तो हम इसको खराद वाले के पास ले जा करना, यहाँ पर ये जो है इसको कटिंग करवा के इसको ऐसा बना देते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि ये ऐसी थी, ठीक है, ऐसी थी ये। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही नहीं लगाएंगे, इसको हम जो है उस वक्त जब फिट करेंगे इसको हम ऐसे पलट के लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो है इसकी बड़ी वाली गरारी जो होती है ये उल्ट के लग जाती है, ठीक है, इसको हम पलट देते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो होगा खराद का काम। अगर आपके पास ये न्यू बाइक है, या जैसे कि ये थोड़ा ऊंचा मॉडल है, तो उसके अंदर जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये मेरे पास है 2009 मॉडल, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2008 या 9 की, यहाँ पर आप ये मेंशन देख सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है 2008। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कंपनी ने जो है ये पतले वाली गरारी देनी शुरू कर दी थी। तो जैसे कि ये ऐसी थी, तो अब होता क्या है, अगर आपकी बाइक में से ये क्लच कटोरे की बहुत ज्यादा साउंड आती है, आपने उसके अंदर प्राइमरी गियर भी डाल दिया तब भी उससे बंद नहीं हुई, तो यहाँ पर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर इसको रिपेयर करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ऑलरेडी काफी पतली है। तो इसको आपने क्या करना है, जैसे कि ये इसमें ऐसी थी, ठीक है, तो इस साउंड साइड से ये जो है आवाज कर रही है, ठीक है, जैसे कि ये मान लो ऐसे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरी ये प्राइमरी गियर चलता है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साथ ऐसे ही घूमता है, तो ये आपने नया चेंज कर दिया लेकिन आवाज तब भी नहीं बंद हुई। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है इसकी रिपीट को यहाँ पर से निकाल के आपने जो है इसको सिंपली, जैसे कि मैंने आपको बताया, निशान लगा लेना है आपने, तो इसको आपने ऐसे पलट के ये इसमें फिट कर देना है, ठीक है, और आपने नया प्राइमरी गियर इसमें लगा देना है। जब आप इसको फिट करेंगे ना, तो आपकी साउंड बिल्कुल जो है साइलेंट हो जाएगी। दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको, जब मैं अभी देखिए मैं जो हूँ, आप देख सकते हैं मैं एक इंजन की फिटिंग कर रहा था, तो यहाँ पर अभी आप मेरे हाथ देख सकते हैं, यहाँ पर अभी पेट्रोल लगा हुआ है, यहाँ पर निशान है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना एक इसमें जानकारी दे दी जाए, क्योंकि मेरे पास जो लड़के बैठे हैं, जैसे कि वो पूछ ही लेते हैं कुछ ना कुछ, तो अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ पूछना, और हमारा भी फर्ज होता है कि हम उनको बताएं। तो यहाँ पर जैसे कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने एक बार बताया था कि इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, तो मैंने जो अब उनको बताया था कि जो बड़े वाला होता है, ये पुराने वाला, इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे कि ये अब ये पहले ही कटा हुआ है, तो इसको भी रिपेयर करेंगे, नहीं इसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसको हमने जैसे कि पहले ऐसे था, और इसको अब आपने ये जो है ऐसे इसमें लगा देना है पलट के, बस इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको जो है खराद वाले की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो है ये तो आप अपने आप ये रिपीट जो होती है इनको हटाकर यहाँ पर इस हाउसिंग को नया चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो है यहाँ पर
खराद वाले से भी करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, अगर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें एक छोटी सी जानकारी थी, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना बता दी जाए। तो दोस्तों ये जो हमारे पास कर्ज हाउसिंग होता है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको जो है किस तरीके से यहाँ पर खराद वाले के पास ले जाकर इसको कट करवाते हैं और उसको जो है रिपेयर करवाते हैं, तो आपकी जो बाइक की साउंड होती है की की की, जिसको हम नॉर्मल साइन साइन बोलते हैं, तो वहां पर उसकी जो है साउंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया, आपने उसके अंदर बेशक एक या दो बार तीन बार प्राइमरी गियर डाल दिया, तब भी उससे जो है इसकी साउंड बंद नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, ये आपका ये वाला है, चाहे आपके पास पुराने वाला है, पुराने वाला जो होता है वो खराद वाले के पास ले जाकर आप रिपेयर करवा सकते हैं, और ये वाला जो है पतले वाला पहले ही, तो इसको आप जैसे कि ऐसे था ये, तो इसको आप ऐसे लगाकर जो यहाँ पर रबड़ वगैरह होती है, रिपेयर होती है, उनको लगाकर यहाँ पर फिट कर दें, तो इससे आपकी बाइक जो है बिल्कुल ओके हो जाएगी, इसमें किसी तरह की कोई साउंड नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपने याद रखना है इसके अंदर प्राइमरी गियर साथ में नया डालना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो में जरूर अच्छी नॉलेज मिली होगी, अगर मिली है तो प्लीज इस वीडियो को भाई दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉलेज वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहते हैं और इनमें आपको जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई सवाल जवाब हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा जब भी मुझे टाइम लग जाता है। तो हालांकि दोस्तों मैं बिजी रहता हूं, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज फॉलो कर लें, मैंने उन दोनों का लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।